मित्रों हाल ही में कुछ ऐसे चेंजेस हुए लॉ के अंदर जहां पर इंडियन कंपनीज भी अब ओवरसीज मार्केट में अपना आईपीओ को लॉन्च कर सकती हैं, जिससे इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। बहुत से स्टार्टअप जो लॉस में जा रहे थे और उनको अपना स्टार्टअप आइडिया लिस्ट करना था इंडिया की मार्केट्स के अंदर, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट मिल गया और उस एग्जिट का नाम है आईपीओ को लिस्ट करना ओवरसीज। लेकिन चैलेंजेस दोस्तों कहां नहीं होते, यूएस मार्केट हो चाहे वो इंडियन मार्केट हो। लेकिन इन स्टार्टअप्स को यूएस मार्केट से भी बहुत वैल्यूएशन और फंडिंग मिल चुकी है और बहुत से लोग आईपीओस को वैसे भी एक मैच्योरिटी का साइन मानते हैं, एक बैज ऑफ ऑनर मानते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेरे हिसाब से प्राइवेट कंपनीज में रहना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि वहां पर आपको कम शेयर होल्डर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करना होता है, कम रेगुलेशंस होती हैं, आपको डिस्क्लोज नहीं करने पड़ते अपने नॉर्म्स, और शेयर प्राइस घटे या बढ़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर ये एक इंटरनल ऑब्जेक्टिव है जिस पे मैं ज्यादा सवाल नहीं कर सकता, लेकिन आपके क्या राय है इसके बीच जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्राइवेट या पब्लिक। और अगर दोस्तों नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना। बढ़ते हैं हम अपने स्टार्टअप लिस्ट की तरफ। दोस्तों सबसे पहला स्टार्टअप आता है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर स्टार्टअप है और यही एक स्टार्टअप है जो बहुत करीब है अपना आईपीओ लॉन्च करने से, जितने भी स्टार्टअप मैं बताने वाला हूँ इस लिस्ट के अंदर। ये स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है और अभी भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। पॉलिसी बाजार के ग्रुप सीईओ यशीष दहिया चाहते थे कि इस स्टार्टअप को मुंबई में लॉन्च किया जाए अगले साल, जैसा कि उन्हें बताया था ब्लूमबर्ग को जूम में। लेकिन लॉ बदलने के साथ ही हो सकता है कि ये आईपीओ जो है वो डुअल लिस्टिंग में जा सकता है। पॉलिसी बाजार चाहता है कि वो पब्लिक फंड्स में जाए और वैल्यूएशन करे 3.5 बिलियन डॉलर्स की, और ये वैल्यू जो है दोस्तों मोर देन डबल है। उनकी जुलाई की वैल्यू देखें तो 1.5 बिलियन डॉलर्स थी इस साल, जहां तक जो उनके इन्वेस्टर्स थे सॉफ्टबैंक, जिन्होंने इन्वेस्ट किए 130 मिलियन डॉलर्स प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर्स के लिए। तो अगर आप होते तो क्या पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट करते, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले स्टार्टअप की तरफ, और शायद ये सबका मनपसंद स्टार्टअप भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा स्टार्टअप है जिसने बहुत से लोगों को सरप्राइज किया आईपीओ की न्यूज के साथ। वो है दोस्तों जोमेटो, एक फूड डिलीवरी सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ इसका कोविड-19 के चलते। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपने एम्प्लॉयज को ईमेल करा और उनके प्लान के बारे में बताया कि आईपीओ लॉन्च हो सकता है 2021 के फर्स्ट हाफ में, जो कि हमारी फाइनेंशियल और लीगल टीम कोशिश कर रही है बहुत जोरों शोरों से कि वो अपना आईपीओ जल्द से जल्द फर्स्ट हाफ में ही इस साल में लॉन्च कर सके। और जो हमारी जो वैल्यू है स्टार्टअप की वो दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है, और इनका सारा श्रेय जाता है हमारे टीम वर्क को। गोयल जी ने बताया कि फिस्कल ईयर 2020 जोमेटो ने अपना रेवेन्यू जस्ट डबल कर दिया 394 मिलियन डॉलर्स के साथ ही, जबकि लॉस हुआ उनको 5% का, जो कि ले आया उनको 293 मिलियन डॉलर्स के करीब। तो दोस्तों अगर आप खाने के शौकीन हैं और सिर्फ खाने के शौकीन हैं तो इसलिए आप इन्वेस्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले स्टार्टअप की तरफ, जो कि है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है, वॉलमार्ट ने जिसे खरीद लिया था, एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि अपनी नजरें टिकाए बैठी है यूएस मार्केट की लिस्ट के ऊपर। लेकिन अगर रिसोर्सेज और रिपोर्ट्स की माने तो फ्लिपकार्ट को अभी इमीडिएट जरूरत नहीं है कि वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सके, क्योंकि उनके पास फंड्स की अभी कमी नहीं है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 16 कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन बाइंग का जो सफर था वो बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो गया था, और वहाँ पर फ्लिपकार्ट को बहुत सा गेन भी मिला। इस वजह से उन्होंने प्लान किया है कि वो अगले साल तक अपना आईपीओ जल्द से जल्द लॉन्च कर दें। इसका वैल्यूएशन अभी लगाया जा रहा है 40 to 45 बिलियन डॉलर्स के आसपास। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जस्ट डबल है उनके 21 बिलियन डॉलर्स में जहां वॉलमार्ट ने एक्वायर किया था 2018 में। फिस्कल ईयर 2019 में फ्लिपकार्ट का जो रेवेन्यू था वो ग्रो हुआ 42% के साथ ही, यानी कि 43,515 करोड़ रुपीस। अगर आप लॉसेज उनमें से काट दें तो 63% का लॉस हुआ उन्हें, जो कि 17,231 करोड़ रुपए के आसपास का आ चुका था। तो फ्लिपकार्ट तो मुझे लग रहा है तैयार है, तो आप तैयार हैं कि नहीं वो कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन दोस्तों तैयारियों से याद आया कि एक ऐसा स्टार्टअप भी है जो आईपीओ में लिस्ट हो सकता है, वो है दोस्तों नायका। एक ऑनलाइन ब्यूटी और कॉस्मेटिक रिटेलर है नायका स्टार्टअप, जिसकी मैंने बहुत सी बात करी है अपनी इन वीडियोस में, लेकिन आज हम बात करेंगे इस स्टार्टअप के आईपीओ के ऊपर। अगर आपको जानना है कि नायका स्टार्टअप कैसा है, क्या काम करता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नायका जो है वो एक डोमेस्टिक आईपीओ के कैंडिडेट के अंदर आता है, यानी कि ये लिस्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर, या यूं कहें इंडियन मार्केट्स के अंदर। फिस्कल ईयर 2019 में भी इनका रेवेन्यू जो था वो डबल हो गया था 1159 करोड़ रुपीस के साथ, जहां पर आप 2 करोड़ का प्रॉफिट और
और ऐड करते चली है। COVID-19 ने भले ही कुछ महीनों के लिए नायका पे जरूर हिट किया, लेकिन CEO फाल्गुनी नायर ने बताया इकोनॉमिक टाइम्स को जून में कि वो लॉन्च कर सकते हैं अपना IPO अगले 2 साल के अंदर ही। लेकिन नायका ही एक स्टार्टअप है जो इस साल यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल था, जिसकी वैल्यू अप्रैल में $1.2 बिलियन तक हो चुकी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, लेकिन अब तक ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाना। दोस्तों अगले स्टार्टअप का नाम आता है डेलीवेरी, जो कि एक ई कॉमर्स लॉजिस्टिक फर्म है। डेलीवेरी एक स्टार्टअप ऐसा है जो 2018 से IPO लाने की कोशिश कर रहा है, जिसने बहुत से बैंकर्स के दरवाजे भी खटखटाए हैं, और आखिरकार उन्होंने सॉफ्ट बैंक विजन फंड से फंडिंग उठाई और डिसाइड किया कि वो और लंबे समय तक प्राइवेट फर्म के रूप में अपनी फर्म को चलाना चाहते हैं। और उसके बाद ही उन्हें एक और फंड रेज हुआ, जो कि यह था कैनेडियन पेंशन फंड CPPIB, जहां पर उनकी वैल्यू पहुंच गई $1.5 बिलियन। लेकिन अब डेलीवरी प्लान कर रहा है कि अपना IPO लॉन्च करें 12 से 18 महीनों के बीच ही, जहां कि उनके चीफ बिजनेस ऑफिसर संदीप बारसिया ने मिंट को बताया सितंबर 16 में जब ये लॉ चेंज हुए हैं तो वो कोशिश कर सकते हैं कि वो लिस्ट करें अब्रॉड कंट्रीज में, न कि इंडिया में। फिस्कल ईयर 2019 की बात करें तो डेलीवरी का जो रेवेन्यू था वो 58% से ग्रो हुआ, जो कि पहुंच गया 1694 करोड़ रुपीस, और लॉस भी दोस्तों 160% से बढ़ गए। तो दोस्तों आपको पता लगाना है कि डेलीवरी का मेन सोर्स क्या है, मेरा मेन ओरिजिन क्या है, कहां पर वो बना, कहां से वो आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, FreshWorks की तरफ। FreshWorks एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है जिसने रेज किए $150 मिलियन नवम्बर पिछले साल, जहाँ पर इनकी वैल्यू 3 गुना हो जाती है, बढ़कर $3.5 बिलियन। फ्रेमवर्क जो है वन ऑफ द बहुत कम स्टार्टअप्स में से एक है जो प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न्स में आते हैं, और US मार्केट से एक लार्जेस्ट मार्केट इन्हें और कोई मिल नहीं सकती, क्योंकि इनका लार्जेस्ट मार्केट ही US के अंदर है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ। और IPO लॉन्च होता है तो ये बहुत अच्छा कर सके। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टार्टअप की लिस्ट, और इनमें से बहुत से स्टार्टअप ऐसे हैं जैसे लेंसकार्ट, पेपरफ्राई, ओयो, पेटीएम, मोबीविक, जिन्होंने ऐसी न्यूज दी है लोगों को कि वो भी ला सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके प्लान्स कुछ क्लियर नहीं है। तो खैर हमें तो सिर्फ इंतजार करना है और इन्वेस्ट करना है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जैसा सपोर्ट बनाए रखा है वैसा ही बनाए रखिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।